नमस्कार मित्र, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मुंडेश्वरी धाम का दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि बिहार के कैमूर भभुआ में पड़ता है। ये करीब इसकी दूरी पड़ेगी काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पड़ता है ये। और यहाँ पे आपको पता चलेगा पहाड़ टाइप का रोड बनाया गया, तो यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ भी चढ़ जाएंगी पूरी। अगर गाड़ी से अगर आप आते हैं तो सीढ़ी कम चढ़ना पड़ेगा, करीब 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर आप आते हैं तो गाड़ी भी आपकी चढ़ जाएगी। यहाँ पे एक रोड बनाया गया है। चलिए आपको मैं मुंडेश्वरी धाम का दर्शन कराता हूँ। देखिए, इसे मैं ऊपर आ गया हूँ, अब जो पहाड़ों के बीचों बीच बनाया गया है मंदिर, देख सकते हैं। नवरात्र में गया था, तो आप मैं सोचा कि आप लोग को भी दर्शन कराए, जो छोटा सा वीडियो बना के। आपको मंदिर की वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। देख सकते हैं लाइन लगा है यहाँ से लेकर वहाँ तक, ज़्यादा लाइन नहीं है, आप आसानी से आकर दर्शन कर सकते हैं। दो पहिया वहाँ तो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा आपका गाड़ी पूरा, क्योंकि अगर आप अगर सीढ़ियों से आप आते हैं तो करीब आपको पड़ जाएगा करीब 560 सीढ़ियाँ कुल टोटल पड़ेंगी। अगर गाड़ी पूरा अगर आ जाती है ऊपर तक तो आप करीब 25-30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी यहाँ से। देख सकते हैं पेड़ पौधे लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। देखिए, इसी के अंदर जाया जाता है दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मैं दूर से दर्शन करा रहा हूँ आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिए, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फ्रंट कैमरे से। मैं सोच रहा था कि छोटी सी वीडियो बना के आपको दर्शन कराया जाए मुंडेश्वरी धाम का। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। देखा, कुछ इस प्रकार से भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए पूरा अंदर, इधर देखिए पहाड़ है और उसके नीचे खाई है पूरा, और काफ़ी सकरा रास्ता है, आपको बताना चाहेंगे। काफ़ी मोड़ है, तो आप अगर गाड़ी लेके आते हैं तो काफ़ी रिस्क होगा, लेकिन थोड़ा सा कायदे से अगर लेके आएंगे तो गाड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। ये देखिए, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, नीचे पूरा खाई है। ये देखिए अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, सामने अपनी इनोवा आ रही है।